अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है 16 अप्रैल साल 2023 ईस्वी मुताबिक 25 रमज़ानुल मुबारक सन 1444 हिजरी। पेश है मकामी अखबारों से लीक हुई आज की सुर्खियां। आगाज़ में नज़र डालते हैं इन सुर्खियों पर। बिजली सप्लाई निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए एलजी की हिदायत पर अमल दरामद। नए कनेक्शन प्रीपेड होंगे, बिल की अदायगी के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर फराहम किए जाए। अहम पेशरफ्त पावर सेक्टर में मजीद शफाफियत लाई जाएगी। KPDCL G20 सरबराही इजलास की पहली मीटिंग गोवा में 17 अप्रैल को। जम्मू व कश्मीर में 42 नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स का क्याम अनकरीब। 7 लाख कनाल सरकारी अराजी पर गैर जायजा कब्जा बरकरार। इनसद तजुवजात मुहिम के सरनो इतलाक पर गौर। 2 कमरों पर मुश्तमल छोटे मकान, छोटे दुकान, गरीब मालिकान मुतनासा। मौसम से मुतलिक की सुर्खी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। मगरबी हवाओं की 2 लहरें 16 और 18 अप्रैल को वादी में दाखिल होंगी। 20 अप्रैल तक मौसम ख़राब रहने का इम्कान। मैदानों में बारिशें और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक। काश्तकार दवापाशी न करें, महकमे मौसमियात। पटन में बिजली करंट लगने से BSNL मुलाजिम लुक में अजल। सियाहती मकाम पहलगाम में, दिल्ली और टंगमर्ग में गुजरात के सयाह की मौत वाकिया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर की ज़ेर सदारत आला सतही मीटिंग। शब कदर ईद उल फितर के इंतजाम का जायज़ा लिया। जॉइंट इन्फोर्समेंट और मार्केट चेकिंग टीमों को तश्कील देने की हिदायत। होलसेल ड्रग लाइसेंस की दरख्वास्तें 6 माह से ज़ेर इल्तवा। महकमा ड्रग कंट्रोल पर करप्शन का इल्ज़ाम। जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड के स्कूल इस्लाही इकदाम के लिए रहनुमा खतूत जारी। नर्सरी तक UKG के लिए कोई बैग नहीं। महफूज मजबूत और ख़ुद अंसारी, न्यू इंडिया का विजन। कोई भी मकसद या ख्वाब जिंदगी से बड़ा नहीं, राजनाथ सिंह। डॉक्टर फारूक का मनोज सिन्हा के नाम मकतूब। डाइट और SERT की सुनवार मुंतकली रोक दी जाए। मुगल रोड पर बर्फ़ हटाने का ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल। शाहरा को खोलने में मजीद कुछ दिन लगेंगे हुक्काम। जस्टिस गुप्ता का शोपियां का दौरा। पुराने मुकदमात को तरजीह बुनियादों पर हल करने पर जोर। COVID-19 की इन सुर्खियों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। जम्मू व कश्मीर में कोरोना की यौमिया केसेस में इजाफे का रुझान। 85 टेस्ट मुस्बत, 55 शफायाब। फाल मामलात 700 के पार। भारत में COVID-19 गिरफ्त में बदतरीज उछाल। 10,763 टेस्ट मुस्बत, 21 अमवात। फाल मामलात की तदाद बढ़कर 53,720 हो गई। वबा मुखालिफ टीकाकारी मुहिम भी जारी। आगे बढ़कर नज़र डालते हैं अखबारात में शाया चंद दीगर सुर्खियों पर। बारामूला और बांडीपुरा में पुलिस कार्रवाइयां। 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार। ममनुआ अशिया बरामद, केस दर्ज। आग की वारदातों के दौरान फौरी रद्द अमल और बचाव इकदाम। 85,000 लोगों बशमूल मुलाजमीन को खसूसी तरबियत फरहम। एक उर्दू अखबार ने अपने अंदरूनी सफात में ये खबर शाया की है कि नशावर अद्वियात और नशीली अशिया के इस्तेमाल का रुझान आम। नौजवानों की इस हालत में मुबतला, वालिदैन में फिक्र तशवीश। तदरुक की राह तलाश करना लाजमी। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात, कांग्रेस के उम्मीदवारों की तीसरी फरसत जारी। मुंबई हाईवे पर प्राइवेट बस खाई में जा गिरी, 12 अफराद हलाक, 28 जख्मी। पंचायतों की तरक्की, बांडीपुरा में सूरत हाल का जायजा लिया गया। अब आखिर पर यह सुर्खी समाप्त फरमाइए कि दारुल उलूम रहीमिया में 600 अफराद के इतकाफ का एहतमाम। ये थी मकामी अखबारों से ली हुई आज की सुर्खियां। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।